फ्रेंड्स, मैं हूँ सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो आज का जो एक्सपेरिमेंट है, 11 का एक्सपेरिमेंट नंबर 15 है। इसमें हमारा एम बेसिकली क्या है कि हम पीएच के चेंज को, चेंज के जो इफेक्ट है उसको डिटरमाइन करने वाले हैं, और यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि 0.1 और 0.1 का दोनों रहेगा, 0.1 NaOH और 0.1 HCl, बाय यूजिंग इसमें एक इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब हमें अपने NaOH में एक यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करना होगा और उसको देखना होगा कि जब HCl का हम NaOH के साथ में टाइट्रेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो वही हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले कि कौन से टाइम पे कौन सा कलर आता है और वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, वो अपने कॉलम में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी टाइट्रेशन होने के बाद आप सारे आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि कितना पीएच आएगा, कितना क्या होगा। सो आप उसको ईजिली अपने हैंडबुक वगैरह में या फिर अपने एग्जाम में ईजिली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। क्या करना है कि HCl ब्यूरेट में लेना है, क्लियर। और यहाँ पे मेरे पास NaOH है, ये दोनों आपको प्रोवाइडेड रहता है, और 10 ml आपको NaOH क्या करना है, पिपेट आउट करना है। HCl का डालूंगा और इसको क्या करूँगा, रिंस कर दूंगा। क्या करूँगा, इसको रिंस करने का, ब्यूरेट को मैं ऐसे रिंस करूँगा, और ब्यूरेट को रिंस करके और इसको क्या कर दूंगा, मैं थ्रो आउट कर दूंगा, इसको मैं थ्रो कर दूंगा, क्लियर। अब इसको मैं स्टैंड पे लगा दूंगा यहाँ पे, क्लियर। अब मैं इसको यहाँ पे पूरा भर दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सो फ्रेंड, जब आप HCl को भरेंगे तो यहाँ पे HCl फिल नहीं होता है क्योंकि ये पैक्ड होता है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसको हल्का सा ओपन कर लेना है, ओपन करके इसको ट्रांसफ़र होने देना है ताकि ये HCl क्या हो जाए, यहाँ तक पूरा फिल हो जाए। उसके बाद आपको लिक्विड को कहाँ सेट करना होता है फ्रेंड, जीरो लेवल तक, जीरो मिनिस्कस बोलते हैं इसको। तो मेरा जीरो यहाँ पर है, मेरा जीरो कहाँ है, यहाँ पे। तो मैं लिक्विड को क्या करूँगा, नीचे आने दूंगा और नीचे से नॉब खोल के इसको जीरो पे क्या करूँगा, सेट करूँगा। यह मेरा जीरो पे सेट हो चुका है, तो ये मेरा प्रिपेयर हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं कोनिकल फ्लास्क लूँगा और इसमें क्या करूँगा, ये मैं जो NaOH रहता है इसको थोड़ा सा सक करूँगा और इसको रिंस करूँगा, और रिंस करने के बाद इसको यहाँ पर वापस से फेंक दूंगा। और ये जो पिपेट होता है हमारा 10 ml का होता है, तो हमें NaOH क्या करना है, 10 ml पिपेट आउट करना है। तो माउथ की हेल्प से इसको पिपेट करते हैं। फिलहाल मैंने इसको पिपेट कर लिया है, और आपको याद रखना पड़ता है कि यहाँ पे एक लाइन होती है, आपको इस लाइन तक ही पिपेट आउट करना होता है, और आपको इसको क्या करना है, इस कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना है। और फ्रेंड्स, आपको इसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करते ही आपको इसमें क्या डालना है, 2 से 3 ड्रॉप यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्लियर। तो ये मेरे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर, मैं इसको 2 से 3 ड्रॉप क्या करूँगा, इसमें ऐड करूँगा। तो मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसमें ऐड कर दिया है। तो फिलहाल इसका जो कलर आपको इंडिगो दिख रहा होगा, कैसा कलर दिख रहा है, इंडिगो, क्लियर। तो मेरी जो ब्यूरेट की रीडिंग है वो फिलहाल जीरो है, मतलब मैंने अभी कुछ इसमें HCl ऐड नहीं किया है, खाली यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया है, तो इसका इंडिगो कलर है। तो वॉल्यूम ऑफ द 0.1 molar फ्रॉम द ब्यूरेट इज 0.01। इसका pH कितना आएगा, तो इसका pH लगभग इंडिगो कलर का भी मैं पीएच देख लेता हूँ यहाँ पे कितना है। तो इंडिगो का जो यहाँ पे पीएच दिख रहा है ये लगभग 11 है। कितना है पीएच, 11 है। तो इसका नेचर क्या है, तो आपको पता है कि अगर 7 से ऊपर रहता तो बेसिक रहता है, 7 से नीचे रहता है तो एसिडिक। तो ये क्या है, बेसिक है। तो मैं अभी इसको टाइट्रेशन करता हूँ, और ब्लू अगर आएगा तो इसका देखते हैं। फिलहाल ये ब्लू जैसा तो दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हम कंटिन्यू टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे जब तक ये ब्लू ना हो जाए। सो फिलहाल ये ब्लू हो चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar HCl इन ब्यूरेट ml इज 6, और इसका pH जो है वो 10 है, और इसका जो नेचर वो बेसिक है। अभी हम कंटिन्यू एडिशन इसका स्टार्ट करेंगे जब तक ये ग्रीन ना हो जाए, क्लियर फ्रेंड। ब्लू ग्रीन है वो मेरा 8 पे आया है। कितने पे आया है, ग्रीन मेरा 8 पे आया है, और ग्रीन भी हमारा क्या होता है, लगभग 8.5 pH होता है। तो 8.5 pH हमारा क्या होता है, बेसिक ही होता है। अब आगे चेंज करेंगे, देखेंगे येल्लो कितने पे आता है। तो ये बेसिकली आपको येल्लो जैसा दिख रहा होगा थोड़ा। हाँ, फिलहाल ये येल्लो हो चुका है। तो येल्लो हमारा जो होता है वो बेसिकली कितने पे रहता है, येल्लो हमारा इसका पीएच 4 है और ये एसिडिक है। जो रीडिंग है फिलहाल 9 आई, मतलब दो दो का डिफरेंस यहाँ पे आते जा रहा है। अब देखते कि ऑरेंज कहाँ पे आता है।
तो फिलहाल ये ऑरेंज आ चुका है, क्लियर फ्रेंड्स, ये ऑरेंज आ चुका है। तो ऑरेंज आया मेरा 9.1 पे, ये भी जो ब्यूरेट, जो ब्यूरेट में यहाँ से जो 8-9 आपको बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो ब्यूरेट खाली हो रहा है ना, तो यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो ये फिलहाल 9.1 पे है। तो इस मेरा जो आप ये येल्लो ऑरेंज देख रहे हैं ना, ये मेरा ऑरेंज आया 9.1 पे। तो इसका पीएच जो होगा वो क्या होगा, 9.1। इसका जो नेचर होगा, ऑरेंज का नेचर क्या है हमारा, बेसिकली 2 pH है। तो ऑरेंज का नेचर हमारा क्या है, एसिडिक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 6 से नीचे या फिर 1 2 3 4 5 6 तक आता है तो वो हमारा एसिडिक होता है। तो अब देखते हैं रेड कितने पर आता है, रेड हो चुका है, रेड हो चुका है। सो रेड का जो पीएच है वो हमारा 1 आएगा, क्लियर, और हमारी जो रीडिंग है वो 9.3 आएगी। तो ये हमारा क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। रेड रेड मतलब क्या होता है, एसिडिक होता है। इसलिए क्या हो रहा था कि हमारा जो HCl और NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेशन चल रहा था, इसमें मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला था। तो पहले हमारा इंडिगो था, इंडिगो बेसिकली कितने पे आता है, 11 पे आता है। तो आपको पता है कि 7 से लेकर 11 तक बेसिक होता है। तो आपको अगर वैसे कलर आ रहे हैं लाइक कि इंडिगो आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, लाइट ग्रीन आ रहा है, तो वो सब हमारे बेसिक में आते हैं, क्योंकि उनका जो पीएच है वो 7 से ऊपर है, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब आ रहा है। वैसे वैसे क्या हो रहा था, जैसे मैं HCl की क्वांटिटी ऐड करते जा रहा था ज़्यादा, वैसे क्या हो रहा था, इसमें कलर चेंजेस देखने के लिए मिल रहे थे, और ये येलो ऑरेंज रेड तक गया। रेड का सारा पीएच यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रेड बेसिकली कहाँ आता है, एसिडिक में आता है, क्योंकि हमारा पता है कि हमको पता है कि जो नीला लिटमस होता है वो लाल हो जाता है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी यही होता है कि ये क्या कर देता है, अगर हमारा एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है तो उसको क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो फिलहाल जो हमारा रेड आ रहा था वो एसिड आ रहा था, उसका पीएच 1 होता है, उसका नेचर क्या है, एसिडिक है। ऐसे ऐसे सारे रीडिंग्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आपको ऐसे सिर्फ टाइट्रेशन करना है, आपको टाइट्रेशन के लिए कुछ नहीं करना है फ्रेंड। ब्यूरेट में HCl भरना है, इसमें 10 ml पिपेट आउट करना है, NaOH 2 से 3 ड्रॉप आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर करना है, और आपको हर एक कलर चेंजेस देखना है। और ब्यूरेट की जो रीडिंग है वो उसमें वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार HCl ब्यूरेट रीडिंग ml में आपको लिखना है। पीएच मतलब जैसे 9 आ रहा है कि 10 आ रहा है, जो भी कलर आ रहा है उससे आप मैच कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ पीएच के लिए मिलेगा, जो भी कलर आ रहा है उससे आप मैच कर सकते हैं। जैसे मेरा रेड आया तो 1 pH होता है, तो 1 क्या होता है, एसिडिक होता है, तो आपको एसिडिक फील करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। मैं आपके सारे प्रैक्टिकल यहाँ पे डालने वाला हूँ। मेरा एक और चैनल है केमिस्ट्री का, आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।